बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू फर्स्ट ईयर क्लास? आई होप एवरीबडी विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहाना तारा एंड एंजॉइंग अ वेरी सेफ एंड साउंड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। एंड एज यू नो दैट वी आर रीडिंग अवर चैप्टर नंबर 4, वी आर स्टडिंग अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज थैंक यू मैम। एंड वॉट डिड वी रीड इन दैट? You can say story yesterday that a teenage boy whose name was Roger, he tried to snatch the purse of a heavy woman, and but instead of snatching and running, he was caught by that woman. So she took him into her home, and she then gave something for eating. And we can see that how an act of kindness and compassion, it can change a person and it may stop somebody from doing wrong things. Okay, beta? So let's continue our text. Pause. Now she was sitting on the sofa previously, in the previous lecture, where I stopped that she, Mrs. Leula Bates Washington Johns, it was the name of the lady, beta. So she was sitting on the sofa and she was looking and talking with the boy. So there was a pause, silence. I have done things too which I would not tell you, son. कहता कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँगी बेटा। Everybody's got something in common. तो हर एक में कुछ चीज़ तो कॉमन होती है ना, सेम होती है। So you sit down while fix up something to eat. तो तुम बैठ जाओ इसलिए ताकि मैं कुछ खाने को ले आऊँ। You might run that comb through your hair so you will look presentable. तो बेटा कहता है कि आप अपने बालों में कंघी करो ताकि आप थोड़े से अच्छे नज़र आओ, ठीक है? प्रेजेंटेबल नज़र आओ, मीन टू से डिसेंट नज़र आओ, ओके? So in another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice bowl. तो बेटा अब वहाँ पर क्या था कि गैस प्लेट थी, मीन कि गैस का चूल्हा था और बर्फ़ रखने का डिब्बा था। मिसिज जॉन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिसिज जॉन्स थी वो उठी और स्क्रीन के पीछे चली गई, पर्दे के पीछे चली गई, स्क्रीन में पर्दा। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, नॉट डिड शी वॉच हर पर्स। कहते हैं ना तो खातून ने उस बच्चे की तरफ देखा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स को देखा, बिकॉज शी वॉज नाउ कॉन्फिडेंट दैट द बॉय वुड नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग नाउ, ठीक है? विच ही हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसको जो है वो डे बेड मीन सोफ़ा, जिसको अपने पीछे सोफे पर छोड़ आई थी, यानी कि वो अपनी चीज़ें सोफे पर छोड़ आई थी। एंड शी वॉज नाउ क्वाइट श्योर दैट द बॉय डिड नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग। सो बट द बॉय टू केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम। लेकिन कहता कि लड़के ने बड़ी कोशिश की कि वो रूम के जो है वो ज़रा दूर ही होके बैठे, दूर कोने की तरफ बैठा रहे, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर होके, वेयर ही थॉट शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आइज इफ़ शी वॉन्टेड टू। तो जहाँ से उसको लगा कि वो चाहती तो उसको आसानी से उसको देख सकती थी, ठीक है? ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम। सो बेटर लुक एट दिस सेंटेंस के ट्रस्ट, फर्स्ट थिंग वॉज काइंडनेस एंड सेकेंड थिंग वॉज ट्रस्ट, कि यू कैन से एन एटमोसफियर ऑफ ट्रस्ट वॉज बींग डिवेलप्ड by the women, ठीक है? एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ। वो नहीं चाहता था कि उसको मिसट्रस्ट किया जाए, मीन टू से कि उसको सस्पेक्ट किया जाए, उस पर किसी किस्म का शक किया जाए। सो नेक्स्ट, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर? आज द बॉय मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। कहते कि तुम्हें आपको किसी को स्टोर पर भेजने की ज़रूरत है ताकि कोई दूध या दूसरी चीज़ें ले आए। डोंट बिलीव आई डू, कहती है कि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डोंट बिलीव इस चीज़ का ना तुम अपने ज़हन में रखो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ। अच्छा, कहते हैं कि हाँ तुम अपने लिए मीठा दूध चाहिए। अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क फॉर योर सेल्फ, आई वॉज गोइंग टू मेक कोका आउट ऑफ दिस कैन मिल्क आई गॉट इट। कहती है तो मैं यहाँ पर इसके लिए कोका बना दूँगी, ठीक है? जो मेरे पास कैंड है, कैन बेटा कोका जो है एट नेम ऑफ यू कैन से ड्रिंक, कहती मैं उसके साथ ड्रिंक बना दूंगी, ठीक है? कुक आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क जो डिब्बे वाला दूध उसके पास पड़ा हुआ, तो उसने कहा मैं उसके साथ जो है कोका बना दूंगी। दैट विल बी फाइन सेड द बॉय, कहता ये बहुत अच्छा होगा, लड़के ने कहा। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स। ओके बेटा, उसने क्या किया कि लीमा बीन्स मीन टू से कि लीमा की कुछ फलियाँ
जैसे नहीं होती हैं, हम कह सकते हैं कि वो जैसे फलियां होती हैं, तो उस तरह से लीमा बीन्स भी थी उनके 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 पास ये चीज़ें थी। शी हेटेड सम लीमा बीन्स, उसने कुछ लीमा बीन्स गर्म किए, एंड बीफ और बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, जिसको उसने फ्रीजर में रखा हुआ था। मेड द कोका, कोका बनाया, एंड सेट द टेबल, और टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फॉक्स और एनीथिंग एज दैट वुड एम्बैरस हिम। तो बेटा खातून ने उस लड़के से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसके घर में कितने लोग हैं, ठीक है। और उसने इसलिए नहीं पूछा कि हो सकता है इन चीज़ों से वो एम्बैरसमेंट फील करे। इंस्टेड एज द एज शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन आ होटल ब्यूटी शॉप, कहता है उसके बजाय जब वो खाना खा रहे थे तो उसने उनको, उसने इस बॉय को अपने जो है वो शॉप के बारे में बताया, ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया बेटा, जहाँ वो काम करती थी, ठीक है। एंड इट स्टेड ओपन लेट, और देर तक खुली रहती थी। व्हाट द वर्क वॉज लाइक, और काम वहाँ पर कैसा था, एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, वहाँ पर किस तरह की खवातीन जो थी वो आती जाती थी, ब्लॉन्स, रेड हेड एंड स्पेनिश। उसने उसको बताया कि जो है वो भूरे बालों वाली, ठीक है, ब्लॉन्स होते हैं भूरे बाल, ब्राउन से, रेड हेड के जैसे सुर्ख बाल थे किसी के, एंड स्पेनिश, और कुछ स्पेनिश वुमेन थी, ठीक है। सो आपको बताएंगे पार्लर जो होते हैं वहाँ पर हर तरह की खवातीन आती हैं। सो शी वॉज डिस्क्राइबिंग डिस्कसिंग हर एक्सपीरियंस विद द बॉय, देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक। उसके बाद उसने बेटा उसको जो 10 सेंट केक था, जो एक केक बनाया हुआ था, उसने उसको एक पीस काट के उसने उसको बॉय को दिया। ओके, ईट सम मोर सन ही सैड, उसने कहा कि बेटा कुछ और थोड़ा सा खा लो। When they were finished eating, she got up and said, जब वो खाना खा चुकी थी, खाना खा चुके, she got up, वो उठी और उसने कहा, Now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. अब बेटा जिस purpose के लिए उसने उसका बैग खींचा था, ठीक है, छीना था उसको, उसने उसको बता दिया था कि I wanted to get blue suede shoes. So she was so much kind that she first she made her to eat something and then she was giving. Then she gave $10. To that boy for buying shoes so that he may not snatch somebody's purse again. देखिए बेटा कितनी अच्छी बात है कि अगर आप अपनी काइंडनेस से, अपने अच्छे रवैये से जो है वो किसी भी शख्स को राह रास्त पर ला सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक और एनीबडी एल्स, कहते कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने लैच इन टूटे पहले लैचिंग कैचिंग, कि नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना कि आप दोबारा से जो है वो खींचो, ठीक है, माई पॉकेट बुक एंड और एनीबडी, ना ही किसी और की। बिकॉज शूज गॉट बाई डिविलिश वेज विल बर्न योर फीट, बेटा लुक एट द सेंटेंस दैट इज रिटन by the author, is so much beautiful line that things or shoes goes got by devilish, but a devilish mean evil ways, if we adopt some evil ways for fulfilling our desires it won't give us satisfaction, so it will burn us inside. तो बेटा इस तरह से कहते हैं कि अगर तुम गलत तरीकों से शूज लोगे तो वो तुम्हारे पाँव जला देंगे, ठीक है बेटा। इट्स मीन यू वॉन्ट गेट प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट थिंग। I got to get my rest now, और मुझे आराम करना है, but from here on in son, I hope you will behave yourself. कहते लेकिन अब मुझे यकीन है बेटा कि जो है वो तुम फ्यूचर में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करोगे, अच्छा अच्छे बच्चे बन के रहोगे। She led him down the hall to the front door and opened it. अब कहता है कि उसने लेड मीन लीड, रहनुमाई करना, ठीक है, उसने रहनुमाई उसकी की डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, फ्रंट दरवाजे की तरफ, हॉल में से गुजर के बेटा जो आखिरी दरवाज़ा था वहाँ तक उसने उसकी रहनुमाई की, एंड ओपन इट, और उसने उसको खोल दिया। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, कहती उसको शब खैर और अच्छे अच्छे इखलाकियात का मुजाहरा करना। शी सैड लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट एज ही वेंट डाउन द स्टेप, तो बेटा उसने वो गली की तरफ देखती रही जैसे ही जो है वो घर से बाहर निकला, जब वो लड़का सीढ़ियाँ उतर रहा था तो बेटा वो गली से बाहर देखती रही उसको। ओके, द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसिज ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स। अब बेटा द बॉय ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाई द काइंडनेस एंड ट्रस्ट एंड सॉफ्ट वर्ड्स ऑफ द वीमेन दैट ही वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम तो उसने कहना ही था, तो उसके अलावा भी वो चाह रहा था कि आई शुड से समथिंग, मीन टू से कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ या उसके कुछ और वर्ड्स बोलूँ थैंक यू मैम के अलावा। बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन जैसे उसके लिप्स मूव हुए, मीन टू से कि जैसे उसके लिप्स हिले, ही कुड नॉट इवन से दैट एज ही टर्न एट द फुट ऑफ द बैरल स्टूप्स एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन इन द डोर। तो कहते हैं कि उसके जैसे उसके हरकत में आए
जब वो बट ही कुड नॉट इवन सी देयर, लेकिन वो ये ना कह सका, एज ही टर्न एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जैसे ही जो है वो बैरन, बैरन मीन सुनसान और स्टूप मीन चबूतरा या प्लेटफॉर्म, जैसे ही बेटा उसने सुनसान से चबूतरे पर पाँव रखा, दैट एज ही टर्न एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन इन द डोर, उसने लार्ज हैवी वुमेन को दरवाजे में देखा, देन ही शट द डोर, उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओके बेटा, दिस वॉज the short story that we studying, and beta it means that first of all, what should you do? You should always follow the right path, mean to say, if you want to get something, stealing or snatching purse and snatching other people's things, it is not a very good, theek hai. So it was the luck of the Roger that he met a woman like Mrs. Jones, who brought him to the right path. Beta noble people, or you can say kind people, they can do anything, they can change the destiny of a person, theek hai, uski kismat ko hi badal dete hain, how, by showing kindness, theek hai, kindness show karke aur jab acha bartav karke, good attitude rakke, we can change the thinking of the people as well, theek hai beta. So it was your fourth show story, and inshallah tomorrow we shall start another thing, and I hope that all of you have well understood my lecture, and if you beta feel any difficulty, any problem, you can ask me. Okay beta, till then stay blessed, and Allah Hafiz.